हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एक नई सुबह में आपका स्वागत है। सो आज है टीचर्स डे का सेलिब्रेशन, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ, और जो भी होगा आपको डांस वगैरह सब मैं दिखाते रहूँगी, तो चलिए मेरे साथ। हम तो हो चुके हैं रेडी, आगे बाकियों का देखते हैं क्या हाल है। बट भाई आज कुछ ज़्यादा सुंदर लग रही थी, ये मेरे को लगता है ऐसा, आपका पता नहीं, बट इसलिए सोचा अपने आप को थोड़ा सा शीशे में निहार लिया जाए, उसके बाद फिर हम चलते हैं। चलिए फिर नीचे चलते हैं, आज इन्जॉयमेंट सब कुछ दिखाऊंगी आपको, कैसा क्या होगा डांस वगैरह तो देखोगे आप लोग, ठीक है। सो चलो फिर चलते हैं, बाकी दोस्त वगैरह भी हो रहे हैं। यहाँ अपनी हाइट को मद्देनजर रखते हुए मैंने हील्स पहनी, ठीक है। हील्स पहन के चलते चलते फाइनली अपने ऑडिटोरियम पहुँच ही गए, क्योंकि हील्स में चलना मेरे लिए इजी नहीं है। सो जैसे ही हम लोग ऑडिटोरियम में पहुँचे, पहली बार ऐसा लगा कि ऑडिटोरियम में हम लोग सबसे पहले आए, नहीं तो यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं मिलती। कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे इसलिए हम लोग पहले ही आके बैठ चुके हैं यहाँ, आप लोग देख सकते हो, ये रो तो सिर्फ हमारी है। और फाइनली यहाँ हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स भी आ चुके हैं, जिनके लिए ये सारा प्रोग्राम रखा गया है। आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छे से टीचर्स का वेलकम किया जा रहा है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ओकेजन है। कहते हैं जब कोई करीब हो आपका ध्यान रखे तो दो बातें होती हैं, एक तो स्नेह, दूसरी बगाव, और अंततः याद है। मिलते हैं बड़े नसीब से एहसास ये सच्चे, जीवन के सवालों में नए रास्ते पक्के, गवारा नहीं होता है मुड़के देखना, लेकिन गवारा नहीं होता है मुड़के देखना, लेकिन पर याद आ ही जाती है वो बातें साथ की अपनी। और वक्त का नाम है चलना, जो एक बार निकला तो हथेली में रखी रेत सा निकलता है, पर फिर भी हर शिखर पर हम चाहे अकेले ही क्यों ना हो आशीर्वाद साथ होता है। ये प्यार इल्म ना था तब लेकिन, और उनकी डांट थी या प्यार इल्म ना।
तुझपे पिता मैं क्यों मां, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान कर दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, सुन मेरी दिल रुबा, बुराई जाऊं तेरी याद होगा तो मेरा दिल हो गया, गुलाबी आंखें जो मेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। Now this first part was like सबकी दुआ कबूल नहीं होती है, किसी किसी की हो जाती है। मैंने सदा चाहा थी दामन बचा लूं हसीनों से, मैं तेरी कसम फसाना भले जमाने के शोर में, शिक्षक उस आवाज उस खामोशी को मशहूर आवाज बना देता है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे इस मौके सभी शिक्षकों के लिए। अरे जो व्हाइट बोर्ड होता है ना सर, बहुत प्रीशियस होता है, बहुत अद्भुत होता है, दुर्लभ होता है, कीमती होता है। मैंने जब व्हाइट बोर्ड पहनने का सपना देखा था, उस वक्त कोविड का भयानक दौर चल रहा था, और उस वक्त ये एहसास हुआ, ये आभास हुआ, ये मालूम चला कि व्हाइट कोट पाने के लिए जितनी मेहनत लगती है उससे भी कहीं ज्यादा उसे पहनने में हिम्मत लगती है। क्योंकि उस कोरोना के दौर में जहां सभी चिकित्सक अपने पूरे दिल और जान के साथ दुनिया को बचाने में जुटे थे, उस वक्त कुछ लोगों ने शिक्षकों पर अत्याचार किया था, पत्थर बरसा। और ये सिर्फ तब की बात नहीं है,
हम आए दिन देखते हैं कि मरीजों के परिजन शिक्षकों से तमाम तरह की बदतमीजियां अत्याचार वगैरह करते रहते हैं, तो उस बात को उन खबरों को पढ़ के एक लेखक का दिल जो टूटता है और जो कलम लिखती है, मैं आपसे वो साझा करना चाहूंगा, आप सभी का ध्यान चाहूंगा। हम कब तक डोर संभालेंगे, हम कब तक छोर संभालेंगे, हम कब तक डोर संभालेंगे, हम कब तक छोर संभालेंगे, एक दिन हम बदला देंगे, हम कब तक शोर संभालेंगे। यूं तो एक एक करके तुम सारे दिए बुझा दोगे, जब हर तबीब बदला लेगा तुम दवाए मर्ज कहां लोगे। तुम सारे मंदिर घूम लिए, हर मस्जिद का दर चुन लिए, तुम कहीं भी पाना इलाज सके, तुम हर दरवाजा घूम लिए, फिर जब संकट में फंस आए तुम हमें खुदा सा बदला, जब तुम संकट में फंस आए हमें खुदा सा बतलाए, क्या खुदा के दर पे भी जाके तुमने पत्थर थे बरसाए। ऐ शर्म करो इस हरकत पर, ये क्या इनाम तुम देते हो, दिन रात तुम्हें जो बचा रहे तुम उन्हीं की सांसें लेते हो। ये कोट सफेद न लाल करो, बेमतलब का न बवाल करो, तुम झेल जवाब ना पाओगे हमसे ऐसे न सवाल करो। हर बार माफ करके तुमको हम कब तक तुम्हें बचा लेंगे, हर बार माफ करके तुमको हम कब तक तुम्हें बचा लेंगे, एक दिन हम बदला लेंगे, हम कब तक शोर सुनेंगे।